नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमसी न्यूज और मैं अंकित राणा आपके लिए लाया हूं क्रिकेट का एक विशेष बुलेटिन। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 में अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की तारीफ कर सौरभ गांगुली ने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर कसा तंज। डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के तीसरे दिन विराट कोहली ने टीम इंडिया को किया प्रोत्साहित। हरभजन सिंह ने डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए भारत के टॉप ऑर्डर को सुनाई खरी खोटी। रोहित शर्मा ने डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के लिए गलत टीम चुन ली है स्टीव वॉग। डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में निराशाजनक प्रदर्शन के बीच रोहित कोहली को आराम देने की बात कर रहे हैं रवि शास्त्री। शार्दुल ठाकुर को डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में अभी भी है भारत की जीत की उम्मीद। बाबर आजम के गिफ्ट किए बल्ले से ट्रेविस हेड ने डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में भारत के खिलाफ जड़ा शतक। तो अब खबरें विस्तार से। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के फ्लॉप प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सौरभ गांगुली ने कहा, अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की पारियां शीर्ष क्रम के लिए एक संदेश है। डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के तीसरे दिन के खेल के तीसरे सेशन से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली टीम इंडिया के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करते हुए नजर आए। अगर भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतता है तो गेंदबाजों को चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को अपने पैर पसारने से रोकना होगा। इंग्लैंड के ओवल में खेले जा रहे डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में भारत का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप रहा, क्योंकि रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के टोटल 469 रनों के जवाब में 296 रन पर सिमट गई। जिसके बाद भारतीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, टीम इंडिया में कौशल की कमी नहीं है, बस खिलाड़ियों को बड़े मुकाबलों में स्वतंत्रता और निडरता के साथ खेलने की जरूरत है। टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार तेज गेंदबाजों और एक स्पिनर के साथ उतरी है और उनके संघर्ष की कहानी किसी से छुपी नहीं है। जिस पर ऑस्ट्रेलिया दिग्गज स्टीव वॉग ने कहा कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर गलत किया है और साथ ही प्लेइंग 11 चुनने में भी बड़ी गलती की है। भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कहा, जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी 2023 के फाइनल में टीम इंडिया की जीत की संभावनाएं अभी भी बरकरार है और कहा कि आईसीसी के मुकाबलों में कुछ भी हो सकता है, अगर आप दबाव संभाल लेते हैं तो 450 से भी अधिक का टारगेट चेस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल में शानदार शतकीय पारी खेली और कहा जा रहा है कि इसका श्रेय पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जाता है, क्योंकि यह उनके बल्ले का कमाल है। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट से कहा कि आगामी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को आराम दे, क्योंकि वे इस साल फरवरी से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अन्य खेल जगत और देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनएमसी न्यूज के साथ।